हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मीत एंड यू आर वाचिंग जॉब वैकेंसी अपडेट्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहां पर ऑल इंडिया कैंडिडेट मेल फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 8th, 10th, 12th ग्रेजुएट हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट भी आपकी मिनिमम 18, मैक्सिमम 44, 45 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ईजिली आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। हर चीज़ को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, कैसे आवेदन करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपनी क्वालिफिकेशन अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जाएंगे अपने अकॉर्डिंगली वैकेंसीज को चेक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो वैकेंसीज आई है चैनल पर वीडियोज अपलोडेड है, इससे पहले मैंने चैनल पर वीडियो अपलोड की हुई है लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज की, जिसमें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब आई हुई है, उसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले कल मैंने वीडियो अपलोड की HDFC बैंक की, और आपको इसी चैनल के कम्युनिटी टैब पर HDFC बैंक की लेटेस्ट वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वीडियो लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके वैकेंसीज की जानकारी लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्टली बात करेंगे PWD डिपार्टमेंट की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, कैसे अप्लाई करना है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट अपडेट के लिए हम चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर चलकर बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ की। आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये नोटिफिकेशन किनके द्वारा है? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मतलब PWD की तरफ से। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की अगर बात करें, सिर्फ ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। अगर हम यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, 8th, 10th, 12th ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी टास्किंग स्टाफ की ये वैकेंसीज है जो आउट की जा चुकी है। सैलरी इसमें आपकी एज़ पर नॉर्म्स रहने वाली है। सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे हर एक कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे फिर वो आप 8th पास हो, 10th पास हो, 12th हो, चाहे ग्रेजुएट पास हो, अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन आपकी बहुत इजीली होने वाली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इसमें क्लियर किया है। कोई एग्ज़ाम नहीं आपका होने वाला है इसमें, डायरेक्ट आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। सबसे अच्छी बात, नो एग्ज़ाम एंड नो इंटरव्यू। आपकी सिर्फ यहाँ क्वालिफिकेशन के मार्क्स के अकॉर्डिंगली मेरिट लगेगी, उसके बेसिस पे सिलेक्शन आपकी इसमें होने वाली है। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है। अप्लाई आपको इन वैकेंसीज के लिए ज़रूर से कर लेना है, चाहे मेल कैंडिडेट है चाहे फीमेल कैंडिडेट है, दोनों ही इन वैकेंसीज के लिए एलिजिबल है और दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें नोटिफिकेशन की, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन PDF जो शॉर्ट आया आपको देखने को मिल जाएगा। अभी लिंक एक्टिवेट होना है, जब होगा मैं आपको बताऊँगी। यहाँ से लेटेस्ट वैकेंसीज आप चेक कर सकते हैं जितने भी आई हुई है। PWD के लिए मिनिमम 18 मैक्सिमम 45 एज अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा लिंक मैंने आपको उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको रीड करके इसके लिए तैयार हो जाना है। इसके अलावा HDFC बैंक की वैकेंसीज आई है चैनल पर कम्युनिटी टैब पर, आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, चेक करके अप्लाई करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।